नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका प्रकाश टीवी में। मैं हूं आपके साथ स्माइल चौधरी और वक्त हो चला है आज की कुछ अहम खबरों का। विश्व हिंदू परिषद ने उठाई यूपी की जनसंख्या नीति पर सवाल, कहा योगी सरकार एक बार फिर करे विचार। महाराष्ट्र और केरल में मामले कम नहीं होने से स्वास्थ्य मंत्रालय हैरान, जल्द भेज सकता है विशेषज्ञों की टीम। इन दोनों राज्यों में पिछले 3 हफ्तों से नए केस 8,000 और 15,000 के बीच। पीयू में धरना प्रदर्शन, यूथ अकाली दल और सोई ने मांगों को लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का कार्यालय घेरा। स्टूडेंट्स ने कहा पीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। विधायक सिमरजीत सिंह बैंस पर दुष्कर्म का मामला दर्ज, 5 माह बाद अदालत के आदेश पर कार्रवाई। टोक्यो ओलंपिक, 21 साल बाद पंजाब को मिली हॉकी की मेजबानी। हरियाणा में नई रियायतों के साथ 19 तक बड़ा लॉकडाउन, 23 को होगा क्लैट का पेपर, यूनिवर्सिटीज कॉलेज खुलेंगे। हरियाणा में नई नीति लागू, लड़ाई व प्रताड़ना से कैदी की मौत पर 7.5 लाख और आत्महत्या पर परिजनों को मिलेंगे 5 लाख रुपए। बादल फटने के कारण हिमाचल में भारी बारिश के चलते रास्ते हुए बंद, पानी के तेज बहाव के कारण गाड़ियां पानी में बहती आई नजर। गंगा के साथ साथ प्रदेश की सभी नदियों में होगा वीरभद्र की अस्थियों का विसर्जन। राजधानी में पानी की किल्लत, दिल्ली सरकार ने हरियाणा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका। आज के लिए बस इतना ही, ऐसी कुछ अहम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।